वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फिजिक्स का। इसके बाद आपको सारे ग्राफ बनाने आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप स्टार्ट करते हैं आज से ग्राफ। तू पहले जी, पहले थोड़ी लंबी निकाल। स्टार्ट करते हैं ग्राफ। आपके जो ग्राफ होते हैं बच्चों, वो दो तरीके के ग्राफ होते हैं। पहले हैं आपके लाइन ग्राफ, दूसरे हैं आपके कर्व के ग्राफ। यहाँ पे लाइन के जो ग्राफ हैं वो आपके फॉलो करते हैं इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाइल जो कर्व के जो ग्राफ होते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं। क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, एक्सेट्रा। दीज आर दी पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, एक्सेट्रा। जैसे आपने देखे होंगे ग्राफ, आपके एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के सारे कैसे ग्राफ हैं, इनके सबके कर्व्स बनते हैं। और एक डिग्री की लीनियर इक्वेशन की आपकी लाइन बनती है जो फॉलो करती है आपकी लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो लाइन की जो मैंने आपको बताया, लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम क्या होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन, और आपका सी होता है आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। यानी कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, कट करेगा वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को कहाँ पे ये कट करेगा वो होता है आपका सी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपने लाइन स्ट्रेट बनाई, ये आपने इसने यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रहा है सी, सी जो इसने कट कराई है, हम कहेंगे ये जो है आपका, ये आपका इंटरसेप्ट है सी, जबकि ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब है कि आपका जो ये ग्राफ है ये कितना झुका हुआ है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी लाइन की सॉरी ये आपकी लाइन का ग्राफ है। तो आपको बताना है कि कितना ये झुका हुआ है, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप को बोलते हैं एम, ये निकाला जाता है एम इक्वल टू टेन थीटा से, जहाँ पर थीटा होता है आपका एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड डी लाइन। जहाँ पे आपका थीटा जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन के बीच में आपका एंगल होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों पहला हम ग्राफ देखते हैं इस वाली लाइन का। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये मैंने कहा आपने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के, पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल, देख रहे हैं आप। तो अगर आप देखें ये लाइन स्ट्रेट है, ये झुकी हुई है ही नहीं, एक्स के एक्स की तरफ झुकी हुई है, कि बिल्कुल पैरेलल है, स्ट्रेट पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे इसका स्लोप क्या है आपका, जीरो है, क्योंकि इसकी तो कमर झुकी हुई नहीं है टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस। ठीक है, क्यों नहीं झुकी, अगर सपोज अगर हम पे कोई बॉल लग दें, अगर हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करें तो ये आगे कुछ पहुंच जाएगी, नेट के नीचे नहीं गिरेगी ये बॉल। तो हम कहेंगे जो लाइन लाइन है इसका जो स्लोप है वो जीरो है, द लाइन विद दी जीरो स्लोप, लाइन विद जीरो स्लोप। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड हम ग्राफ ले लेते हैं। ये वाला ग्राफ देखें बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इस बार ये जो लाइन है ये आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अच्छा, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस आप देखें तो ये तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से टूवर्ड क्या है एक्स एक्सिस से स्ट्रेट है, एक्स एक्सिस स्ट्रेट है। तो हम क्या कहेंगे इसमें तो स्लोप ही स्लोप है, इसका स्लोप क्या कहेंगे एम इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, इसका स्लोप क्या है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अगर हम सपोज ना अगर हम कोई बॉल लगे तो धड़ से नीचे गिरेगी ना, इसका सर फटेगा। अगर कोई आदमी पर चढ़ा, बंदर चढ़ा और बंदर नीचे गया तो धड़ से का सर फटेगा बंदर का। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम वी हैव द फॉर्मूला, हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है स्लोप निकालने के लिए। स्लोप का फार्मूला होता है एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे वाई वाई टू वाई वन आपके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स टू एक्स वन आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। या एक फार्मूला और बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, एम इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको, उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ये आपकी लाइन है, सपोज ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसने इस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको। तो ये जो एंगल है थीटा, दिस इज थीटा फ्रॉम दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, यही जो थीटा इसी को हम, इसी का हम लेते हैं टेन ऑफ थीटा, और यही क्या है आपका स्लोप है एम ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा अगर इक्वल टू 90 डिग्री होगा
ठीक है, मतलब अगर आपका एंगल अगर आपका किसी कारणवश अगर 90 से बड़ा आ रहा है और कहीं किसी कारणवश 90 से छोटा आ रहा है और कहीं पे आपका 90 के बराबर आ रहा है, तो तब आपकी क्या कंडीशन होगी स्लोप ले, वो हम निकालते हैं। चलो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इस केस में आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव। इस केस में हम कहेंगे स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप विल बी पॉजिटिव। और इस वाले केस में कहेंगे स्लोप विल नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड अगर 90 डिग्री है। एग्जाम्पल से फिर समझ लेते हैं। सपोज हमने आपसे ये ग्राफ लिया स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट से पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड ले लिया आपने। फर्स्ट में अगर आपका 90 से बड़ा है एंगल, सपोज मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल है 90 से बड़ा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, देख रहे हैं 90 आपका इतना होगा ना, ये आपका 90 है, 90 से बड़ा है एंगल आपका, थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो अगर देखें 10 10 90 से बड़ी वैल्यू ले लें, सपोज कोई 10 90 से बड़ी ले लें वैल्यू ले लें, आप 135 लें, 10 25, 10 25 कैसे निकालेंगे, 10 of 90 plus 45, तो कहेंगे -10 45, 10 45 आपका -1। ठीक है, तो इसका मतलब है देखो अगर आप 10 में अगर वैल्यू 90 से बड़ी रखती हो, यानी अगर 10 में अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी रखते हो, तो आपका जो 10 थीटा आता है वो आपका नेगेटिव आता है। अगर 10 थीटा नेगेटिव, तो हम कहेंगे आपका स्लोप क्या है, आपका नेगेटिव है। सेकेंड केस हमने लिया बच्चों, देखो थीटा अगर 90 से छोटा है, सपोज 10 की कोई भी वैल्यू आप 90 से 45 ले लो, 90 से छोटी 45 ले लें आप, 10 45 1, तो आपको पता कि 10 की अगर वैल्यू, 10 थीटा की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव होनी है, तो आपका थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 10 के अंदर आप वैल्यू लेस देन 90 रखोगे तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। थर्ड केस हमने जो लिया था थीटा अगर 90 है, थीटा अगर 90 है अच्छा है थीटा 90 है, तो ये थीटा 90 हो गया आपका, थीटा 90 होने, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। थीटा 90 मतलब वही वाला केस हमने लिया जो सेकंड केस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो आपको पता है स्लोप नॉट डिफाइंड आता था, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड आता था, नहीं आता था, देख लें अगर चेक भी करें, 1090, 1090 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, अगर आप कुछ भी चीज़ रखेंगे तो यहाँ से पटकेगा नीचे टाप। अच्छा बच्चों एक और केस है हमारे पास, अगर थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ये आपका वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस है, थीटा 0 डिग्री है, शून्य है थीटा, तो 10 की 10 थीटा, 10 0 10 0 0 होता है आपका, तो देख लें आप स्लोप 0 है। मैंने आपका पहले बताया था कि ये देखो ये आप में कोई झुका हुआ है नहीं है, कोई थोड़ा सा भी नहीं झुका है आपका एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स, जस्ट पैरेलल है, या पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, आपका हमेशा स्लोप क्या आएगा, इस केस में हम कहेंगे स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, स्लोप इज 0 इज 0। तो हमने ग्राफ पढ़े थे, हमने ग्राफ पढ़ा, देखो ये वाला अगर हम देखें इसमें थीटा क्या है 90 से छोटा है, तो स्लोप क्या आएगा इसका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है था, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस था। सेकंड केस हमने लिया जब आपका क्या ग्राफ आपका 90 से बड़ा है, यहाँ पे आपका एंगल 90 से बड़ा है, इस केस में आपका एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स सॉरी एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है आपका, अगर आपकी लाइन पैरेलल, तो आप कहेंगे स्लोप क्या है आपका, 0 है। अगर यही ग्राफ अगर आपका क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो हम कहेंगे स्लोप क्या है आपका, इक्वल टू नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, चलो बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला बेस में, ये आपके मैंने कोऑर्डिनेट लिया, आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसके आप कोऑर्डिनेट ले लो 3, 0, इसके आप कोऑर्डिनेट ले लो 0, 4। ठीक है बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट दे रखें, आपको उसका निकालना है स्लोप, अगर मैं कहूँ बताओ उसका स्लोप निकालो, तो आप भी तो ठीक है निकालते हैं, पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन, खुद निकालो, नहीं तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू है आपका कितना है, वाई टू बताओ बच्चों 0 है, वाई टू 0 है, वाई वन 4 है, हाँ एक्स टू कितना है आपका 3 है, वाई एक्स वन कितना है 0 है, तो -4/3, तो देखें आपका स्लोप क्या आया, -4/3 यानी नेगेटिव स्लोप आया ना, यानी आपका एम क्या है नेगेटिव आया, और आना भी था क्योंकि थीटा देखें अगर आप देखें थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो एम आपका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या आपने इसे भी प्रूफ करके देख लिया। चलो बच्चा पार्टी इसका निकालो, निकालो जमुरो, निकालें निकालें निकालें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका, या आप ए पॉइंट ले लो उसको, बी ले लो उसको, सी ले लो इसको, आप 0 ले लो, 10 20 25 निकालो, निकालें तो स्टार्ट करते हैं। पहले ओ अलग, इसमें आप क्या करो, अब हर पार्ट का आप स्लोप निकालो, ओ ए पार्ट का अलग निकालो, ए बी का निकालो और बी सी पार्ट का निकालो। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, अगर हम ओ ए पार्ट के लिए निकालें, वही वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन,
वाई टू बताओ, अभी आपने बताया ना वाई टू कितना है यहाँ से इसके वाले ओ ए पार्ट के लिए, देखो ये आपका 5 ही है, आप यहाँ पे वैल्यू ले लो आप इसकी 5, तो वाई टू आपका 5 हो गया ना इस पॉइंट पे देखें, अगर इस पॉइंट पे देखें तो वाई टू 5 हो गया ओ ए के लिए, वाई वन आपका 0 हो गया, एक्स टू आपका 10 हो गया, एक्स वन आपका 0 हो गया, तो 5/10 इक्वल टू 1/2 ओ ए पार्ट के लिए आ गया। ऐसे ही आप निकाल लीजिए यहाँ पे, वैसे आप यहाँ पे स्लोप निकाल लिए एम फॉर ए बी पार्ट, ए बी पार्ट के लिए देखो आप वाई की वैल्यू सेम है तो 10-10 करोगे अपॉन 20-10 तो 0 ही आना है, तो एम फॉर ए बी पार्ट आ गया आपका 0 आ गया। वैसे आप बी सी पार्ट के लिए निकाल लो यहाँ पे एम फॉर बी सी पार्ट, क्या लोगे y2-y1, वाई टू बोले तो क्या है 0 है आपका वाई टू, वाई टू इस पॉइंट पर 0 है ना 0, वाई वन कितना था आपका इस पॉइंट पर देखें 5 है वाई वाई वन, एक्स टू कितना है आपका 25 है, एक्स वन आपका 20 है, सॉरी -20, तो स्लोप बी सी का अगर आप निकालें तो आ जाएगा -5/5 इक्वल टू -1, तो देखें आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो देख लें वैसे भी देखो इस वाली लाइन ये वाली लाइन देखें, आपको तो थीटा है 90 से बड़ा है तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, आना भी चाहिए आ भी रहा है, स्लोप 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 आ रहा है, ठीक है पॉजिटिव स्लोप होगा थीटा 90 से छोटे से 90 से छोटा है, लेस देन 90 है तो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, तो ऐसे हमने कंक्लूड कर दिया ये सारे। अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो होमवर्क भी है, कहाँ जा रहे हो होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट में डालना, मेरे निकाल लेना इसका, ये आपका 5, ये आपका 5 दे रखा है, ये आपका 10, ये आपको 15, ये आपको 20, ये आपको 25, ये आपको 5, ये आपको 10 और ये आप ले लेना 15, निकाल के लाना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर अपलोड करो, आंसर अपलोड करो फटाफट चटपट।